अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ चावल के छुर्रे का नाश्ता बनाने वाली हूँ। बहुत आसान और जल्दी बनने वाला है ये। यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छा धो ले के इसे मैंने भिगा लिया, और जितना इसमें ज़रा भी पानी नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कैबेज ले ली है, इसमें सिर्फ नमक डाला है मैंने। इसको अपन क्या करना है इसका मैं आपको अभी बताती हूँ। यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है, अब इसमें डालेंगे अपन चावल का ये छुड़वा डालेंगे। चावल का छुड़वा डाल इसमें डालेंगे 3 हरी मिर्च, 4-5 लहसुन के कलियाँ, यहाँ पे कोथमीर पुदीना है ये। अब इसको अपन पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे इसको। इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा पानी, यहाँ पे आधा कप लिया है मैंने, इसमें थोड़ा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। अब इसको अपन ग्राइंड कर, यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं थोड़ी डालेंगे अपन। इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी जस्ट, यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, आधे चम्मच से भी कम है ये। और इसमें डालेंगे थोड़ी हल्दी, ये भी 1/4 चम्मच से भी कम है। इसमें डालेंगे 1 चुटकी सोडा, जो खाने का सोडा होता है वो सोडा 1 चुटकी डालेंगे, ज़्यादा नहीं। यहाँ पे 1 चुटकी सोडा है जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 1 चुटकी सोडा डाला है। और इसमें डालेंगे अपन ये कैबेज है, जो मैं नमक डाल के इसको तल ली हूँ, थोड़ा सा फ्राई कर ली, ज़्यादा नहीं। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा पानी डाल के अपन मिला लेंगे। यहाँ पे 1 कप को कुछ कम पानी लिया है मैंने, बस इसको अब अच्छी तरह से मिला लेंगे अपन चमचे से, जैसा दोशे का होता है ना आटा, वैसे ही इसको भी अपन उतना ही पतला मिला लेंगे, ना ज़्यादा घट ना ज़्यादा पतला। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे अपन। यहाँ पे मैंने थोड़ा नमक कम था चखी तो, और इसमें डालेंगे अपन साबित ज़ीरा 2, जो आधे चम्मच से भी कम है। और इसमें डालेंगे अपन थोड़ा सा आमचूर पाउडर, जो थोड़ी सी खटास, चलिए इसमें और थोड़ा सा पानी पड़ता। यहाँ पे मैंने इतना गाढ़ा कर लिया है, और ये बहुत जल्दी तैयार होने वाला नाश्ता है ये किचन के सामान से ही ये तैयार हो जाता है, बाहर के सामान की कोई ज़रूरत नहीं है। जो कुछ भी आप किचन में हैं वही इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बटर ले ले रहे हैं, इस पर लगा लेंगे अपन, देखो लो फ्लेम पे कर लेंगे। इसमें डालेंगे अपन यहाँ पे, देखिए मैंने स्लो फ्लेम पे इसको पका लिया है। अब इसको अपन एक थाली लेके पलटा लेंगे, थाली से ये ऐसा है नहीं निकलता, अपन इस पर रखेंगे एक थाली
इस तरीके से इसको रख के हाथ के सहारे से सरक के पलटा लेंगे। यहाँ पर देखिए आप चावल के चूड़े का ये डोसा बन के तैयार है। अब आप इसको कौन सा भी नाम दे सकते, बहुत आसान है और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। यहाँ पे और एक एक डालेंगे अपन। यहाँ पे मैंने बटर लगा दिया है, चूल्हा सिम पे कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे अपन ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला, इसको ऐसे ही रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं ज़्यादा मोटा भी नहीं। यहाँ चूल्हा यहाँ पे फ्लेम स्लो पे है, इसको थोड़ा सा हाई पे करेंगे। इसके होने की निशानी ये है कि ये अभी देखिए आप लोग ये थोड़ा सा पानी पानी है, ये पूरा ऊपर का पानी सूख जाना जब तक इसको अपन पकाएंगे, और इसको ढांकने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुला ही पकाना है। ये जो पानी दिख रहा है ये पानी पानी जरा सा ये सूख जाना पूरा ऊपर, इसके बाद में अपन इसको पलटाएंगे और थाली रख के पलटाएंगे हाथ से। इसके ऊपर थाली रख के इस तरह से पलटा लेंगे। यहाँ पे देखिए आप ऊपर अच्छा सूख गया है। अब इसको अपन थाली इस तरह से रख के इस तरह इसको पलटाना, इसलिए बता रही हूँ कि मैं आप लोग को आसानी होना फिर बाद में परेशानी नहीं होना, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ। ये देखिए आप लोग, मैं थाली से इस तरह से पलटा ली हूँ। अब इसको हाथ से निकाल के फिर एक मर दूसरी तरफ दूसरी साइड इसको पका लेंगे अपन। यहाँ पे ये भी हो गया है, देखिए आप ये अच्छा खासा फिर रहा है। अब इसको अपन निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते, आपके पास है बोले तो अगर आप चीज़ डाल सकते, या नहीं तो बटर, बटर के साथ भी आप खा सकते इसको। तो मैं अभी आपको बटर डाल के बताऊंगी। ये देखिए ये गरम गरम पे ही बटर डाल देंगे अपन, तो ही ये टेस्ट दिखता, टेस्ट अच्छा आता है इसका। आपके पास अगर चीज़ है तो आप चीज़ भी डाल सकते, या नहीं चीज़ भी नहीं है बटर भी नहीं है तो आप इसमें असली घी भी डाल सकते, असली घी डालना इसमें तो ही ये अच्छा होता। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह अज़्ज़े वज़न। दुआओं में अति पाक याद रखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक नई रेसिपी लेके मिलूंगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।